दिल्ली में आज सीलिंग के विरोध में सभी मार्केट्स बंद है। रोजगार चौपट होने पर व्यापारियों पर अत्याचार हो रहे हैं, बर्बरता रूप से अत्याचार हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नियत पे तो खोट है ही, अब 85 दिन के बाद में उनकी आंख खुली है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सीलिंग को रोकना चाहते हैं, कांग्रेस कह रही है हम सीलिंग को रोकना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी सीलिंग को रोकना चाहती है। मुझे लगता है कि फिर संसद के अंदर बिल को लाने और इसे पास करने में कोई समय नहीं गंवाना जरूरत है। जीएसटी नंबर क्यों दिया जाता है, तभी क्यों नहीं हो कर्मचारी इन चीजों को रोकते। हमारा काम था खुद अपना पेट पालना बच्चों का, हमें बेरोजगार कर दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। आज सीलिंग के विरोध में दिल्ली के व्यापारी जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। व्यापारी अलग अलग बाजारों में सीलिंग की शव यात्रा निकाल रहे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। व्यापारियों ने सीलिंग के खिलाफ आज दिल्ली के बाजारों को बंद करा है। दिल्ली में करीब 7 लाख दुकानें और दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं, इसमें दिल्ली के तकरीबन सभी बड़े बाजार शामिल हैं। सीलिंग के खिलाफ व्यापारी महापंचायत भी कर रहे हैं। व्यापारियों के प्रदर्शन की वजह से कुछ जगहों पर ट्रैफिक जाम भी हो गया है। 18 औद्योगिक क्षेत्रों की फैक्ट्री मालिकों ने भी बंद का समर्थन किया है। सीलिंग पर सियासत भी लगातार जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीलिंग को लेकर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई है वो शुरू हो चुकी है। केजरीवाल की बैठक का बीजेपी ने बॉयकॉट किया है। सीलिंग की अर्थी लेकर जा रहे व्यापारी निगम बोध घाट के सामने मेन रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए, ये तमाम व्यापारी यहाँ पर निगम बोध घाट के सामने मेन रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में व्यापारी यहाँ पर पहुंचे हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से ये व्यापारी यहाँ पर पहुंचे हैं और इसकी वजह से आप देखिए कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है। आप देखिए, यहाँ पर ट्रैफिक जाम की मेन रोड है यहाँ पर, और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। भाई साहब, ये व्यापारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आपको लग रहा है कि 20 सड़क पे इस तरह से प्रोटेस्ट करना ठीक है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, आप साइड में आप होके करो, आप ठीक है, आप थोड़े से ज़्यादा क्या कहो। ये जो रोड है इसको फिलहाल पुलिस ने, जो व्यापारी हैं उनको किनारे किया है। पुलिस चाकी यहाँ हालांकि यहाँ पे मौजूद है, उसने व्यापारियों को रोड से हटा करके फिलहाल रोड जो है वो चालू करवा दी। लेकिन आप देखिए, इसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो पीछे तक आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि अब इस ट्रैफिक को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप देखिए दूर तक आपको गाड़ियां दिखाई पड़ेंगी और ट्रैफिक जो है यहां पर आपको हैवी दिखाई पड़ेगा। व्यापारियों का कहना है कि अध्यादेश लाया जाना चाहिए। सर, आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, रोड जाम की जा रही है, ये कितना सही मानते हैं आप? इससे क्या हल होगा? ये पब्लिक को हरासमेंट हो रही है, और अगर इनको हल निकालना है ये अपने जो लीगल रेमेडीज हैं उनको अवेल किया जाए, और कोर्ट में मैटर सब जूडिस है, ये एक तरह से कोर्ट की कंटेम्प्ट भी है। मैं मानता हूँ सबके साथ प्रॉब्लम्स हैं, बट जिन अफसरों के दौरान ये सब हुआ है, जिनके टेन्योर में ये सब हुआ है, उनको पनिश करना चाहिए, उनके सारे जो है बेनिफिट्स वगैरह सब रोकने चाहिए। ठीक है, तो लोगों का ये कहना है कि जो रोड जाम करना ठीक नहीं है, लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। हालांकि व्यापारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अश्वनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। सीलिंग के विरोध में दिल्ली के सभी बड़े बाजार बंद हैं। जो बाजार इस वक्त ग्राहकों से भरे रहते थे वो अब पूरी तरह से सूने पड़े हैं, और दूसरी तरफ व्यापारी सड़क पर शव यात्रा निकाल रहे हैं, सीलिंग का विरोध कर रहे हैं, और इस तरह वो सीलिंग के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के करोल बाग में व्यापारी सीलिंग के खिलाफ एक महापंचायत भी कर रहे हैं। इस महापंचायत में व्यापारी सीलिंग के खिलाफ अपनी अगली रणनीति बना रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, व्यापारियों का जो गुस्सा है वो किस तरह से आज दिल्ली की सड़कों पर है। एक तरफ शव यात्रा निकल रही है तो एक तरफ बैठकर आगे की नीति बनाई जा रही है महापंचायत में। तो करोल बाग में यह महापंचायत हो रही है, बड़ी संख्या में व्यापारी यहां पर जुटे हुए हैं, और
आपको बता दें कि आगे किस तरह की प्लानिंग करनी है, क्या रणनीति करनी है, सरकार से किस तरह से बात करनी है, ये सब प्लानिंग इस महापंचायत में हो रही है। तो सीलिंग के मुद्दे पर दिल्ली के व्यापारी अब सड़क पर भी हैं, शव यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल सियासत में जुटे हैं। आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे को सीलिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको आज दिल्ली की सड़कों की दिखा रहे हैं। सीलिंग के चलते आज सभी मेजर बाजार बंद हैं। तो आपको बता दें कि शव यात्रा भी निकाली गई है सीलिंग की, एक सांकेतिक विरोध होता है। इसको कश्मीरी गेट से निकाला गया है, निगम बोध घाट तक ले जाया गया, और जैसा कि हमारे सहयोगी अश्विनी अभी दिखा रहे थे, लोगों को किस कदर परेशानी हो रही है क्योंकि अलग अलग जगह पे ट्रैफिक जाम भी लग गया है। तो हमने आपको बताया कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां जो है वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। देखते हैं किस तरह के बयान आए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सीलिंग को रोकना चाहते हैं, कांग्रेस कह रही है हम सीलिंग को रोकना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी सीलिंग को रोकना चाहती है। मुझे लगता है कि फिर संसद के अंदर बिल को लाने और इसे पास करने में कोई समय नहीं गंवाना जरूरत है, और बिल को ला करके तत्काल सीलिंग रोका जाए और कोर्ट के सामने भी सारे पक्षों को रखा जाए, क्योंकि कोर्ट की कार्रवाई को हमें अपने सारे तथ्यों के साथ जारी रखने के साथ साथ आज जो व्यापारियों का दर्द है उसके साथ तुरंत खड़ा होने की ज़रूरत है। नहीं, आम आदमी पार्टी की नीयत पे तो खोट है ही। अब 85 दिन के बाद में उनकी आँख खुली है। 351 सड़कों का एक लंबे समय तक अपने पास उन्होंने रोक के रखा। वो केवल राजनीति करते हैं, उनको दिल्ली की जनता या गवर्नेंस से कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी शक्ति को एकत्र करके दिल्ली के लोगों को जिस तरीके से DDA की मीटिंग के अंदर लगातार ये प्रोसेस चला और उस प्रोसेस का जो समय था उसको भी कम करके जल्द से जल्द दिल्ली के लोगों को इसका लाभ दिलाने का प्रयास कर रही है। तो आपको बताते हैं कि करोल बाग में एक महापंचायत हुई है और वहां से रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे सहयोगी पवन नारा। सीलिंग के मुद्दे पर दिल्ली के करोल बाग में व्यापारियों की महापंचायत चल रही है। इस वक्त करोल बाग बंद है। इसके अलावा 2500 बाजार और 7 लाख दुकानें आज दिल्ली में बंद है। यहां सीलिंग पर तुरंत लोग लगाने की मांग करते हुए पोस्टर लगा है, सरकार जरूरी अध्यादेश लाए। व्यापारी पंचायत कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के तहत दिल्ली भर की ट्रेड्स यूनियन यहाँ इकट्ठी हुई है। प्रवीण खंडेलवाल फिलहाल नोटिस यहां संबोधित कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि तुरंत इस बारे में एक्शन लिया जाए और आगे की योजना पर कार्रवाई होगी। पूरे दिल्ली भर से हाथ में पोस्टर लिए लोग पहुंचे हैं। लिखा है, दिल्ली में लगातार हो रही मनमानी सीलिंग के विरोध में दिल्ली व्यापार बंद 13 मार्च, और अब आगे की रणनीति पर बात हो रही है। यानी स्पष्ट है कि व्यापारी जब तक सीलिंग नहीं रुकेगी तब तक अपने विरोध प्रदर्शन को जारी रखने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नेता सीलिंग के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सर्वदलीय बैठक हो या फिर मास्टर प्लान में बदलाव को लेकर दिए गए बयान। पवन नारा, सी मीडिया, दिल्ली। चलिए, वहां रणनीति बन रही है तो एक तरफ शव यात्रा निकाली जा रही है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं, पवन नारा करोल बाग से हैं हमारे साथ, और इसके अलावा अश्विनी निगम बोध घाट से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, आपकी रिपोर्ट हमने देखी थी, थोड़े लोग परेशान थे सड़क पर ट्रैफिक जाम की वजह से। फिलहाल स्थिति क्या है और किस तरह का प्रदर्शन अभी चल रहा है? देखिए, प्रदर्शन पूरा हो चुका है, लेकिन हम आपको बताएं कि आज दिल्ली के सभी बाजार बंद है और करीब इसकी वजह से 1800 करोड़ रुपए का जो मुनाफा है, जो कारोबार है, वो नहीं होगा। करीब 250 करोड़ के राजस्व का नुकसान इसकी वजह से सरकार को होगा। तमाम व्यापारी नेता हमारे साथ इस वक्त हैं। सर, ये बताइए, आप लोग बंद कर रहे हैं, शव यात्रा निकाल रहे हैं, आपको लगता है कि इससे समाधान होगा या फिर जो कोर्ट है या फिर जो अध्यादेश लाना है उससे समाधान होगा? देखिए, समाधान तो अध्यादेश से ही होगा, कोर्ट से ही होगा। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है धरना प्रदर्शन करना, बंद करना, क्योंकि देखो पिछले 3 महीनों में 4000 से ज़्यादा दुकानों और प्रॉपर्टियों को सील कर दिया गया है। अब हमारा ये तीसरा दिल्ली बंद है। हम लोगों ने भूख हड़ताल भी की, सिविक सेंटर का घेराव भी किया, सांसदों के घर कटोरा लेके पहुँचे, प्रधानमंत्री आवास पर भी हम लोग विरोध प्रदर्शन करके आए थे।
तो आज उसी का ही परिणाम है 3 महीने के जो हमारा हमने दबाव डाला व्यापारियों ने एकजुट होकर के कि केंद्र सरकार थोड़ा हरकत में आई है, डीडीए हरकत में आया है, लेकिन अभी भी फौरी तौर पर राहत जो स्थायी समाधान है वो नहीं। समाधान क्या है सर, आपको लगता है कि कुछ राजनीतिक इसमें राजनीति ज़्यादा हो रही है, समाधान निकालने में इंटरेस्टेड नहीं है? समाधान तो सिर्फ अध्यादेश है, संसद चल रही है, संसद के बंद होते ही सेंट्रल गवर्नमेंट अध्यादेश ला सकती है और हम सबको बचा सकती है, समाधान सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ। कैसे व्यापारी कितना परेशान है इस समय? देखिए व्यापारी तो बेचारा निरी प्राणी हो गया, सरकार हमारी बात समझ नहीं पा रही है। 72 घंटे का हमने बंद किया, कटोरा आंदोलन किया, हम 7 MP से मिले, UD मिनिस्टर से मिले और उन्होंने हमारी बात को समझा और हमें उन्होंने प्रॉमिस किया था 7 MP ने हमारे कि हम लोग जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करेंगे। वो एफिडेविट ईमानदारी से फाइल क्यों नहीं हो पा रहा है? सर ये बताइए, जो ताले आपने लटकाए हुए हैं, सील इस पे लगी है, इसके जरिए क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए सर, ये जो सील लगी हुई है ये हमारे रोजी रोटी पे सील लगी है, हमारे साथ व्यापार करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके घरों पर पेट पर सील लगी है। हमें व्यापारियों को ये नहीं पता कि हमारी डी सील कितने समय बाद होगी। हम लोग व्यापारी आज त्रस्त हैं, जब हर पार्टी चाहती है कि सील ना हो तो क्यों नहीं हो रही है? देखिए आज 100 से ज़्यादा जगहों पर ये यात्रा निकाली जा रही है और सभी बाजार, छोटे बड़े सभी बाजार पूरी तरह से बंद है। व्यापारी का कहना है कि प्रेशर बनाना चाह रहे हैं राजनीतिक पार्टियों पे कि सीलिंग को लेकर के वो सीरियस हो और समाधान निकालें, राजनीति ना करें इस मुद्दे पर। बिल्कुल प्रेशर तो जरूर बन रहा है अश्विन। दिल्ली आज थमी हुई है सीलिंग पर, आज व्यापारियों की हड़ताल है, महापंचायत चल रही है करोल बाग में। इस वक्त पवन नारा वहां मौजूद है। पवन, ये तो समझ में आ गया व्यापारियों को कि खालिस राजनीति उनके साथ हो रही है, अब महापंचायत में क्या डिसाइड हो रहा है? जिस वक्त की यहाँ से सबसे बड़ी खबर निकली है वो ये है कि 28 मार्च को महापंचायत में फैसला हुआ कि रामलीला मैदान में दिल्ली भर के व्यापारी पहुँचेंगे और हर व्यापारी अपने कर्मचारी को लेकर मैदान में पहुँचेगा और कोशिश ये है कि 28 मार्च को दिल्ली बंद किया जाए ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि उनकी सीलिंग रोकी जा सके। यही एक अहम फैसला है और आगे आज 14 दिन तक ये संदेश दिल्ली की हर मार्केट, हर व्यापारी तक पहुंचाए जाने का आह्वान किया गया और अब सबकी निगाहें 28 मार्च पर जब हैं, जब रामलीला मैदान में दिल्ली भर के व्यापारी इकट्ठा होंगे और आगे की रणनीति पर, सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल 28 मार्च को यानी कि एक बार फिर प्रदर्शन होगा, एक बार फिर दिल्ली बंद करने की बात कही जा रही है, महापंचायत ने फैसला हुआ है। अश्विनी, आज एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी अरविंद केजरीवाल ने, क्या उसमें कुछ निकलने वाला है या सिर्फ दिखावे के लिए थी वो? देखिए सर्वदलीय बैठक बुलाने का मतलब इसलिए बहुत ज्यादा नहीं आता है, हो सकता है क्योंकि इस पर जो कोशिश करनी थी अरविंद केजरीवाल की सरकार को वो ये करनी थी कि इसके ऊपर एक अध्यादेश दिल्ली विधानसभा के स्पेशल सेशन में पास करके अगर केंद्र सरकार को भेजते तो शायद इसके ऊपर कुछ एक्शन हो पाता, लेकिन विरोधी ये आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये अध्यादेश अपनी तरफ से पास नहीं कर रहे और इसी वजह से इसमें डिले हो रही है। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी है वो ये कह रही है कि अध्यादेश जो है वो केंद्र सरकार को लाना चाहिए और संसद में पास करना चाहिए और इसी दोनों तरफ की आरोप प्रत्यारोप में ये मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। फिलहाल सीलिंग को लेकर के जो मास्टर प्लान है उसमें बदलाव किया गया है, संशोधन किया गया है और वो मास्टर प्लान अभी भी नोटिफाई होना है। अगर वो मास्टर प्लान नोटिफाई हो जाता है तो काफ़ी संख्या में व्यापारियों को सीलिंग से राहत मिल सकती है, लेकिन अभी वो भी नोटिफाई नहीं हो पाया है। तो जो भी प्रयास होने थे वो अभी अधर में अटके हुए हैं और व्यापारियों तक राहत फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। व्यापारी परेशान है और अब लोग भी परेशान हैं क्योंकि बाजार बंद हो रहे हैं, सड़कों पे जाम लग रहा है। शुक्रिया पवन और अश्विनी आप दोनों का ये जानकारी हम तक पहुँचाने का। तो 28 मार्च को एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी जब फिर एक बार व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया है।